हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो फ्रेंड्स, ओलिव बोर्ड पर लाइव मॉक टेस्ट चल रहा है। आरआरबी पीओ का प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट है ये, जो कि आज शाम 7 बजे तक अवेलेबल रहेगा। 11 आप देख सकते हैं 11 अप्रैल तक। तो अगर आपने इसे नहीं दिया है तो ज़रूर दे दीजिएगा और अपने स्कोर्स मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। मैं अपने स्कोर्स आप लोगों से शेयर करूंगी। वैसे तो मैंने सोचा था कि इसकी जो स्कोर्स है ना, वो मैं आपको आज रात जो टारगेट वीडियो रहती है ना हमारी डेली वाली, उसमें दूंगी, दिखा दूंगी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि आप में से काफ़ी होंगे जिन्हें नहीं पता होगा कि ये मॉक टेस्ट चल रहा है लाइव, तो मैं बता दूँ। और इसीलिए सोचा कि अपने स्कोर्स भी आपसे शेयर कर देती हूँ, आपको बता भी देती हूँ कि ये लाइव मॉक टेस्ट चल रहा है। एंड कोशिश करिए कि सारे लाइव मॉक टेस्ट दे दीजिए। अभी लास्ट वाला जो प्रैक्टिस मॉक पे लाइव मॉक टेस्ट था ना, वो मैं नहीं दे पाई थी क्योंकि मुझे नहीं पता चला था कि उसमें लाइव मॉक है। लेकिन ये वाला ज़रूर दीजिएगा आप, अगर आपने नहीं दिया है अभी तक तो। और स्कोर्स भी शेयर करिएगा, मैं आपको अपने स्कोर्स आप लोगों से शेयर करती हूँ। सो देख सकते हो आप कि मैंने रीजनिंग में किए थे 40 अटैम्प्ट एंड क्वांट्स में मैंने 25 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे। ओवरऑल 65 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे। रीजनिंग में मेरा एक करेक्ट इनकरेक्ट हो गया, जिससे मेरे 39 करेक्ट हैं। एंड क्वांट्स में सारे ही क्वेश्चंस करेक्ट हैं। फाइनल स्कोर जो बना है वो बना है 63.75। टाइमिंग की बात करें तो रीजनिंग में मैंने ज़्यादा टाइम दिया है, 24 मिनट 27 सेकंड। मैंने सोचा कि अब कंप्लीट होने वाला है, रीजनिंग तो कर ही लेते हैं, तो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगता है तो ले लेते हैं। एंड क्वांट्स में मैंने 20 मिनट्स लिए हैं। तो ये थे मेरे स्कोर। बात करें अगर लेवल की, तो आज का लेवल ऐसा था ना कि रीजनिंग में जो पजल्स थे ना, उसमें अगर आपने कंडीशन में कहीं फंस गए तो वो पजल आपके हाथ से जा सकती थी, बहुत ज़्यादा टाइम ले सकती थी। लेकिन अगर नहीं फंसे तो वो पजल आपको इजीली क्रैक हो जाएगी। आज की सारी पजल थोड़ी सी कंडीशन में कन्फ्यूजन वाली थी। जैसे कि एक वो था ना वीक वाला, संडे टू सैटरडे वाली जो थी, उसमें लिखा हुआ था कि थर्सडे को ऑफ रहेगा और उसके बाद एक स्टेटमेंट दे दी थी कि आर जो है वो एन के इमीडिएटली अबव रहेगा। वहाँ पर आपको क्या था, जो थर्सडे को ऑफ था ना, तो आर वेनसडे को आना था और एन फ्राइडे को आना था। जिसने इस चीज़ को लॉजिक लगाकर नहीं कर पाया होगा, उसको टाइम लग सकता था इस क्वेश्चन में, और जिसने कर लिया होगा वो एक फ्लो में इसको बना ले गया होगा। वैसे ही सारे ही पजल्स थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग थी, जो बेस ईयर देके कैलकुलेट करवाते वो वाली भी। और एक पजल जो थी वो थी वो पब्लिशर और पब्लिसिस्ट, पब्लिसिस्ट में मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई थी क्योंकि मैंने दोनों के लिए ही पी यू बी ही लिख दिया था। पर थैंक गॉड मैंने जो स्टेटमेंट लिखी थी ना, उसमें पब्लिसिस्ट के उसके ही कंडीशन थी ना, कि जो आर है वो उस पब्लिसिस्ट के तुरंत नीचे है, तो वो वाली कंडीशन मैंने सही की थी। तो नहीं तो अगर वो गलत करती ना, तो वहाँ पर 5 मार्क्स जा सकते थे मेरे। तो इसी तरीके से आज का रीजनिंग का था। क्वांट्स का तो ऐसा था कि क्वांट्स में जो क्वेश्चंस थे डीआई दोनों ही बन गई मुझसे ईजी थी, लेकिन केसलेट वाली नहीं कर पाई। मार्क किया था पर टाइम नहीं मिल पाया उसे करने का, बाकी के क्वेश्चंस में ही पूरा टाइम चला गया। अरिथमेटिक के भी 2-3 क्वेश्चंस किए थे मैंने, क्वांट्स में भी लेवल अच्छा था क्वांट्स का भी। जिनकी क्वांट्स अच्छी है वो आराम से 30+ इसमें कर सकते थे। सो ये दिस वाज इट फॉर द वीडियो। ये थे मेरे स्कोर्स, आप लोग भी कमेंट सेक्शन में शेयर करिएगा एंड मॉक को ज़रूर दीजिएगा। सो दिस इज इट फॉर द वीडियो। थैंक्स फॉर